नेपाल से आया एक भाई भी अपनी बहन को दिल्ली में तलाश रहा है। उसका भी यही आरोप है कि इस बाबा ने उसकी बहन को गायब कर दिया। दिल्ली के विजय विहार में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम के बाहर खड़ा ये परिवार नेपाल से आया है। इस नौजवान की 28 साल की बहन 8 साल से इस आश्रम में रह रही है। नेपाल के इस नौजवान का आरोप है कि उसकी बहन का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ब्रेन वॉश करके उनको मजबूर में रखा होगा, इसलिए तो दूसरे वहाँ बैठना पड़ेगा साथ में। तो अकेले अगर बोलती थी होगी तो कुछ बोलती थी होगी, हमको ही लगा ना मजबूरी में बोलने वो कर दिया होगा। एक घंटा दो घंटा से पहले से ब्रेन वॉश करके रखा होगा। एक महीने पहले नेपाल के इस परिवार को अपनी बेटी से सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने दिया गया। इसके लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। सुबह 9 बजे से फोन किया था तो दिन को लगभग 3:30 हो गया था होगा या मिलते समय, तो टाइम लेते समय अभी वो वक्त रेडी करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये क्या नियम है रेडी प्रिपेयर, हमको समझ में नहीं आया। और दरवाजे में उतना ताला लगा के खोल खोल के जाने वाला सिस्टम कहाँ का है? ऐसा धर्म तो हमने देखे थे तो बंद कमरे में, तो खुला होना चाहिए ना। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही होता है कि अगर वो ठीक हालात में है तो आखिरकार आश्रम के लोग उनके परिवार वालों से उनको मिलने क्यों नहीं देते? कहीं ना कहीं ये जो हालात हैं आश्रम के और जो उनका रवैया है उनकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। कैमरामैन रंजीत के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।